विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का वक्त आता है तो बुद्धि पहले बुद्धिहीन हो जाती है। तो आज हिंदुत्व का अंत हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही मन आंदोलित होता है कि चलो हिंदुत्व जागने लग गया, वो पुनः सो जाता है भांग की पुड़िया सी पी गई। वो भांग की पुड़िया क्यों पीता है कि इसका इतिहास तो आज से 70 साल पहले ही लिख दिया गया था, जब हिंदुस्तान का नाम बदल करके इंडिया कर दिया गया। ब्राह्मण, भटका हुआ ब्राह्मण समाज के लिए बहुत विनाशकारी होता है, और पाखंडी ब्राह्मण, धूर्त ब्राह्मण, वो तो समाज को विनष्ट कर देता है। तो नेहरू नाम का एक शख्स आता है, नकली ब्राह्मण बन के हमारी गोद में बैठता है और हमारी गाथा लिखता है कि 50 साल बाद तुम समाप्त हो जाओगे। उस काल को इंदिरा बढ़ाती है नसबंदी के रूप में, उस काल को राजीव बढ़ाता है 84 के रूप में। वो विचारधाराएं जो इसको जिहाद के कारण इस्लामिक ओर की तरफ ले जा रही थी, उन्हें रोकने के लिए एक महामानव मोदी जी का अवतरण हुआ। लगा देश जागेगा, हिंदुत्व जागेगा, फिर सो गया। ये कब जागेगा? जब कश्मीर उसके घर पे दस्तक दे देगी, उनकी माँ बहनों को ऐसे पेड़ पे लटका दिया जाएगा। वो जब जागेगा, जब पाकिस्तान को दोहरा दिया जाएगा। वो जब जागेगा, जब बंगाल में दोहराया जाएगा जाएगा। ये चंद 70%, 30%, वे झगड़ा तो 70% और 30% का था। कैसे हार गए? क्या कुछ हम में ही गद्दार नहीं है? आज नहीं तो कल उनका वही हश्र होगा जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हुआ। सर, एक देश होता था पर्सिया, उन्होंने यही गलती की, उस शांति प्रिय समाज को अपने गोद में बिठा लिया। देश भी छोड़ना पड़ा, सारे मकान दुकान संसाधन छोड़ना पड़ा। उनमें से ही भाग के आया एक महामानव टाटा। उसने देखा है देश खोने का दर्द, उसने देखा है समाज से भागने का दर्द। आज देश के विपदा काल में वो सामने खड़ा है। कोई विदेशी कंपनियां जो हमारे देश के साथ खड़ा हो? कौन खड़ा है? धीरू भाई अंबानी खड़ा है। कौन खड़ा है? जो यहाँ के योग उद्योगपति खड़े हैं, जिन्हें तुम जी भाई भाई के गालियां देते हो। अबे आज वो जानते हैं उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, वो उसे पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहती, इसलिए लड़ रही हैं। मेरे एक दोस्तों का संगठन बक्सी कुमार और कई उसके पूरा टीम लगी हुई थी, आज उनका हार है। ये काला टीका प्रतीक है हिंदुत्व की हार का। हमें बड़ा नाज है कि हमने भगवान शिव की पूजा की, हमने माँ काली की पूजा की, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा 50 साल बाद ये हमारी पीढ़ियां इस पूजा को तरस जाएंगी। जैसे कश्मीर में तरस गई, पाकिस्तान में समाप्त हो गई, बांग्लादेश में जमीन दोज हो गई। अबे अब तो जागो, अब नहीं जागे तो भागने के लिए स्थान नहीं है। इस्लाम के पास 56 देश है, चले जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान भी तो हिंदुस्तान नहीं है, ये तो इंडिया बना दिया गया है। हम जातियों में बने बैठे हैं। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, अबे क्या है ब्राह्मण है, अबे हिंदू है ना। कोई कहता है मैं इस जात का हूँ, अबे क्या है इस जात का, अबे एक हो जाओ, जबी तो तुम्हारे वंश तुम्हारी औलादे बचेंगी। जब तुम ही समाप्त हो जाओगे तो क्या अचार डालोगे उस ब्राह्मणत्व का, बन्यत्व का, जातीयता का? आज जातीयता को त्यागो, एक हो जाओ, एक देश भक्त आया है उसके साथ खड़े हो जाओ। जय भवानी।